नमस्कार, आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राजा बाबू और आप अभी देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइव स्टूडियो। दोस्तों, मैं इस समय लगातार आपके साथ चर्चा कर रहा हूं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइनोलॉजी में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। और अभी हमारा जो विषय है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित एबनॉर्मलिटी अर्थात डिसऑर्डर अर्थात बीमारियां, उसके कारण, उसके निदान, इसके बारे में मैं लगातार आपसे चर्चा कर रहा हूं। और दोस्तों, देर न जाया करते हुए मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं कशिंग सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन सेक्रेट होने के क्रम में ये गड़बड़ी आती है, कशिंग सिंड्रोम, इसे हाइपर पिट्यूटरीज्म। इससे पहले मैंने जो चर्चा किया था, फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन सारे वैज्ञानिक सत्रों को देखने से पहले आप हमारे पहले के तमाम चैप्टर्स को, इससे संबंधित एंडोक्राइनोलॉजी के चैप्टर्स को देख लें और संबंधित अध्यायों का भी वीडियो आप देखते रहें। देर न जाया करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये कशिंग सिंड्रोम, जो कि सबसे पहले अमेरिकन न्यूरोसर्जन 1932 में हार्वी कशिंग साहब ने दिया था, इसकी चर्चा की थी, इसीलिए क्योंकि कशिंग साहब ने चर्चा किया इसीलिए इसका नाम कशिंग सिंड्रोम दे दिया गया। वैसे वैज्ञानिक जितने भी भाग है उसमें सामान्यतः जितने भी नाम दिए गए हैं या तो कार्य के आधार पर, या तो जगह के आधार पर, या जिन वैज्ञानिकों ने उसे खोज किया है, डिस्कवरी किया है, उसके आधार पर नाम दिया गया है। मैं फिर से बता दूं आपको कि यह हमारा वैज्ञानिक सत्र खास करके मेरे ऐसे छात्रों के लिए या ऐसे गरीब छात्रों के लिए है जो कि किसी कारणवश पैसे के अभाव में अच्छे शिक्षकों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, शहर नहीं जा पाते, नहीं पढ़ पाते। उसके लिए मैं क्लिष्ट शब्दों को, वैज्ञानिक क्लिष्ट शब्दों को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सारे लोग समझ जाएं। और इसीलिए फिर से देर न जाए करते मैं बता दूं कि ये लगभग 2 से 3 मिलियन पर ईयर लोगों को प्रभावित करता है ये गड़बड़ी, और उसमें अधिकतर 20 से 50 वर्ष के लोग ही हुआ करते हैं जी। और ये गड़बड़ी कशिंग सिंड्रोम, बता दूं ये सिंड्रोम है, डिजीज नहीं है। सिंड्रोम हम उसको बोलते हैं जबकि वह किसी बीमारियों का समूह हो तो उसे सिंड्रोम कहते हैं, अर्थात कलेक्शन ऑफ डिजीज और साइन एंड सिम्टम, चिन्ह या लक्षण, निशान या लक्षणों का समूह जो होता है उसे सिंड्रोम कहते हैं। तो कशिंग सिंड्रोम इसे नाम इसलिए दिया गया चूंकि इसमें कई सारी बीमारियां, कई सारे लक्षण आया करते हैं इसीलिए। और चूंकि ये क्यों होता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की ज्यादा स्टिमुलेशन के कारण लगातार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ज्यादा सेक्रेशन होता है, जो कि कॉर्टिसोल का ज्यादा सेक्रेशन होने से ये कशिंग सिंड्रोम होते हैं। और ये पुरुष से ज्यादा, 3 गुना ज्यादा महिलाओं में ये बीमारी पाई जाती है, और ये इसी के कारण इसकी मॉर्बिडिटी अर्थात रोगन दर, मॉर्टेलिटी अर्थात नश्वर दर दोनों बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लास्ट में कार्डियोवास्कुलर में गड़बड़ी करता है, हृदय या हृदय से संबंधित अंगों में गड़बड़ी करता है। ये बीमारी में आप देखेंगे कि इंसान में बीच में पेट भर जाता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी जिसे बोलते हैं, तोंद निकलना उसमें होता है, जिसके हाथ और पांव दोनों पतले दिखाई देते हैं। साथ में उस इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और उसके पेट पर, उसकी त्वचा में लाल स्ट्रेच मार्क अर्थात स्ट्रेच किया हुआ, खींचे हुए ऐसे निशान दिखाई देते हैं। उसका चेहरा लाल और गोल हो जाता है और उसके पीछे आप देखेंगे दोनों कंधा के बीच में पीछे आपको बहुत ज्यादा फैट का एक गोला दिखाई देगा जी। और उसके मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसके चेहरे पर एक्नी अर्थात मुहासे निकलते हैं और उसके स्किन काफी फ्रेगाइल हो जाता है, जो कि काफी धीरे 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 कोई ब्रूज होने पर अर्थात चोट लगने पर वह हिल करता है। और महिलाओं में देखेंगे कि उनके
और बहुत ज्यादा हिर्सटिज्म जिसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा बाल आ जाएगा पुरुष की तरह और माहवारी में गड़बड़ी आती है। लिपोडिस्ट्रॉफी जिसे बोलते हैं, लिपोडिस्ट्रॉफी जी, उसमें क्या होता है, अचानक से ज्यादा वजन भी आदमी प्राप्त करने लगता है और उसके ट्रंक और फेस पे बहुत ज्यादा मांस बढ़ जाता है, यानी लिपिड फैट बढ़ जाता है। उसके कॉलर बोन पे देखेंगे, दोनों कंधे के पास जो हड्डियां हैं वहां भी ज्यादा, और गर्दन के पीछे बुफैलो हम्प, जिसे मैंने बोला बैक ऑफ द नेक बुफैलो हम्प, इतना बड़ा आपको फैट का एक लेयर दिखाई देगा जी। ये गड़बड़ी होने के साथ साथ इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा उस इंसान में पसीना भी हो सकता है, उसके जो कैपिलरीज है छोटे छोटे जो वेन्स या के बाद जो एरिया बनता है कैपिलरी, उसमें देखेंगे डायलेट, वो डायलेट कर जाता है। स्किन जैसा मैंने बताया बहुत पतला हो जाता है, इजी ब्रीदिंग, बहुत जल्दी आसानी से चोट लग जाए, सूखा रहता है हाथ की, जनरली आप देखेंगे हाथ सूखे सूखे नजर आएंगे। इसके बाद रेड या पर्पल कलर का स्ट्रिया, रेड पर्पल स्ट्रिया यानी स्ट्रेचेज ऑन द स्किन मिलेगा, हिर्सटिज्म जैसा मैंने बताया वो मिलेगा, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ मिलेगा, या कभी कभी देखेंगे बाल्डनेस मिलेगा, बाल उड़ा हुआ मिलेगा, और काफी ज्यादा ब्रिटल हेयर अर्थात, और उसके बाद काफी ज्यादा सूखा हुआ एक्सट्रीमली ड्राई हेयर उसके मिलेंगे। इसके साथ देखेंगे कि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, नींद सही से नहीं आती है, इंसोम्निया जिसे बोलते हैं, और इनहिबिटेड एरोमेटाज, किसी भी सुगंध का उसे गंध का पता नहीं चलता है। साथ में लिबिडो अर्थात जो यौन इच्छा है उसमें कमी हो जाती है, और कभी कभी मर्द जो है ना वो आपको इम्पोटेंस दिखाई देगा, नामर्दी की तरफ वो नपुंसकता की तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई देगा। महिलाओं में कभी कभी देखेंगे आप कि एमोनेरिया अर्थात कि माहवारी होगी ही नहीं, या ओलिगोमेनेरिया डिस्टर्ब रहेगा, और इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी पैदा करता है, क्योंकि हाइपर कॉर्टिकोलिज्म हो जाता है, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन का ज्यादा वहां कम सेक्रेशन हो जाता है कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण, तो इसलिए डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके बाद भी ऐसे इंसान, चूंकि मैंने बताया ये सिंड्रोम है, बहुत सारी बीमारी है इसमें, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, इसलिए यहां देखेंगे कि याददाश्त में भी कमी होगी, कंसंट्रेशन जो एकाग्रता में कमी आएगी, वह इंसान डिप्रेशन यानी कि उदासीन नजर आएगा, चिंताग्रस्त नजर आएगा, बहुत ज्यादा पेशाब, पॉलीयूरिया और डिस्पेप्सिया अर्थात बहुत ज्यादा प्यास लगना और बहुत ज्यादा पेशाब होना, ये भी लक्षण यहां देखे गए हैं। और इसके साथ डायबिटीज मेलाइटिस जिसे बोलते हैं मधुमेह, वो भी हो जाता है। अगर इलाज नहीं किए ऐसे इंसान का तो हृदय संबंधी बीमारियां होगी और वो मौत की तरफ बढ़ेगा। बहुत ज्यादा सीवियर केस जब हो जाता है कॉर्टिकोलिज्म का यानी कि कशिंग सिंड्रोम में, तो सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटासियम की कमी हो जाएगी और सोडियम की अर्थात हाइपोकैलेमिया हो जाएगा और हाइपरनेट्रेमिया के सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पोटासियम की कमी हो जाएगी। बोन भी ऐसे लोगों में भुरभुरा होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छिद्र दिखाई देने लगते हैं, भुरभुरे होने लगते हैं, और ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, गांठों में जहां भी ज्वाइंट है वहां पेन होने लगेगा, ऐठन होने लगेगा, और त्वचा का रंग हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि बहुत ज्यादा गहरा मिलेगा। अब आप कहेंगे इसका कारण क्या है, इतनी गड़बड़ी क्यों होगी, तो देखिए इसके दो कारण है, जहां तक अगर देखा जाए तो दो कारण में, एक है बाहरी कारण और एक है अंदरूनी कारण, एक जिसे एक्सोजिनस बोलते हैं और दूसरा को एंडोजिनस बोलते हैं। बाहरी कारण और अंदरूनी कारण, दोनों कारण आपको ऐसे में मिलेंगे। तो बाहरी कारण क्या है कि बहुत लंबे समय से कुछ लोगों में जैसे एस्मा का, दमा का इलाज करने के लिए, या गठिया का इलाज करने के लिए, या इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करते हैं इलाज करने के दौरान। जैसे कि आपको कॉर्टिसोल यानी कि प्रेडनिसोलोन बहुत लंबा समय अगर आदमी खाता है बाहरी कारण से, बहुत लंबे दवा एक्सपोजर हो रहा है उसका, तो ऐसे केस में ये केसेस मिलते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा मेडॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन अगर बहुत लंबे समय से एड्रिनल ग्लैंड को, चूंकि वो एट्रॉफी करता है, एसिटेट वो जो है एड्रिनल ग्लैंड को एट्रॉफी करता है, तो इसीलिए क्या होता है ना, स्टिमुलेशन ऑफ एसिटीएस एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कम होने लगता है, इस वजह से भी आपको ये गड़बड़ी देखी गई है।
ये बाहरी कारण हुए जो कि हम दवा के रूप में लेते हैं, तो बाहरी एक्सपोजर होता है। तो अब दूसरा कारण इसका एक और है कि वो पिट्यूटरी एडिनोमा, जी पिछली बार हमने एक्रोमेगाली में चर्चा किया था। हाइपर जनरली देखिए, अगर हाइपर पिट्यूटरीज्म का मैक्सिमम कारण भी लगभग यही देखा जाता है, क्योंकि तो वो बेनाइन ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वो एक कारण है। क्योंकि वो जो अहानिकारक कैंसर जिसे बोलते हैं, वह है वो बहुत ज्यादा या तो क्या करेगा ना कि प्रोड्यूस करने लगेगा, प्रोडक्शन करने लगेगा बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल का, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को बहुत ज्यादा, चूंकि आपको पता है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के बारे में मैंने बताया, वह स्टिमुलेट करता है ना, तो उसके वजह से कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह पैदा लेता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और जिस कारण कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। इसलिए इसके अलावा और भी ट्यूमर्स है अगर शरीर में होता है तो वो भी कारण है इसके बढ़ाने का। जी तो आपको बता दूं, इसका इसमें एक चीज और आपको मिलेगा, आप देखेंगे ऐसे एक कारण और भी है महिलाओं में, जैसे कि जो प्रोजेस्टॉन वगैरह लेती हैं, एजेस्ट्रॉन लेती है अगर बहुत ज्यादा, तो उस लेवल में भी आपको लेवल इसका मिलेगा। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है अगर, बच्चेदानी रोकने का निरोध की दवाएं ले रही हैं, तो वैसे समय में भी स्यूडोकॉसिंग सिंड्रोम मिलता है, तो उसको इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ वो स्यूडोकॉसिंग सिंड्रोम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक जाता है। तो आप कहेंगे इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसको कैसे जानेंगे कि यही रोग है? तो देखिए इसके लिए हम लोग करते हैं डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट। होता क्या है कि जैसे है डेक्सामेथासोन यानी कि डेक्सोना हम देंगे इंसान को, और फ्रीक्वेंट डिटर्मिनेशन उसका ब्लड सैंपल लेंगे, और उसमें क्या है कॉर्टिसोल और एसिटीएच लेवल को जांचेंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि 24 घंटे का पेशाब कोर्टिसोल के मापने के लिए हम लोग पेशाब निकाल पेशाब की जांच करेंगे। तीसरा है कि सलाइवा यानी कि लार का जांच करेंगे 24 घंटे का। वैसे देखिए अगर ऐसे केस में क्या होता है ना, रात में इस ऐसे पेशेंट में कोर्टिसोल का लेवल रात में जो लार निकलता है उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा निकलता है कोर्टिसोल उस समय, तो इसलिए तो अगर मिडनाइट का भी हम लोग खास करके जांच करेंगे, उस समय का जो लार होगा कहेंगे आप जमा कीजिए और जांच उसका करेंगे। दूसरा क्या है, मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, भौतिक परीक्षण करेंगे, शारीरिक परीक्षण करेंगे, जिसमें कि सबसे अहम चीज है, देखिए एकदम निश्चित है अगर कि कशिंग सिंड्रोम का मरीज है तो उसका विजुअल फील्ड देखने का जो क्षेत्र है वह गड़बड़ मिलेगा, ये एकदम अनिवार्य है। अगर पिट्यूटरी लीजन है, मान लीजिए पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से है, तो ऑप्टिक क्या मिलता है। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड का सीटी स्कैन करेंगे और ब्रेन का एमआरआई करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड देखने के लिए। स्किंटीग्राफी भी करते हैं, स्किंटीग्राफी करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के लिए आइडोकोलेस्ट्रॉल के साथ, आइडोकोलेस्ट्रॉल स्कैन के साथ बहुत आवश्यक है। इसके बाद कभी कभी क्या है ना कि एसिटीएच लेवल जो है कि वेन में डिफरेंट जगह, जनरली हम लोग सेंट्रल वेन लगा करके भी डिटरमाइन करते हैं, बहुत जरूरी होता है ऐसे केस में, तो चूंकि ये गड़बड़ी पाई जाती है आप कहेंगे किसके इलाज क्या करेंगे। देखिए इलाज का सबसे पहला रूल ये है कि अगर हम जान रहे हैं कि दवा की वजह से गड़बड़ी हो रही है ना, लॉन्ग टाइम्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं, अगर कॉर्टिस ये दे रहे हैं तो इस वजह से अगर गड़बड़ी हो रही है तो पहले दवा रोकना है। लेकिन इसमें एक चीज खास ख्याल रखना है, इवेंचुअली स्टॉपिंग करेंगे, टैपरिंग करके दवा कम करेंगे, मेडिकेशन करेंगे, क्योंकि वह सिम्टम को कम करेगा। जनरली एक चीज इसमें है गड़बड़ी देखी जाती, अब्रप्टली स्टॉपिंग अगर कर दिया अचानक में, हमने एकदम बंद कर दिया, तो इसमें एड्रिनल इनसफिशियंसी मिलेगी, जिस कारण क्या है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगा, जी एड्रिनल इनसफिशियंट हो जाएगा, तो ये गड़बड़ी मिलेगी। देखिए ऐसे केस में क्या है जी, ये सारी चीज हम दवा के इसके जांच के बाद ही देंगे, कोई भी दवा हम जांच के बाद ही देंगे, सीधे तौर पे दवा नहीं देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर दवा अचानक बंद कर दिए, तो अगर दवा के बाद मान लीजिए ये हो गई तो फिर क्या करेंगे उसको देखेंगे, लेकिन एड्रिनल इनसफिशियंसी नहीं होने देंगे, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज करता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का बहुत बड़ा कारक है ये। अगर देखिए अब क्या करेंगे, पहली वो तो रोकने का काम करना है, दूसरा अगर मान लीजिए कि सर्जरी, अब एड्रिनल एडिनोमा है मरीज में, एड्रेन वर्ड ग्लैंड के लिए यूज करते हैं, ओमा लगा हुआ है, मतलब कि उसमें बेनाइन ट्यूमर है और हानिकारक कैंसर है, लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्बिंग नेचर का है, तो एड्रिनल एडिनोमा को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को वहां सर्जरी करके जो मिलेगा उसे हटा देंगे। दूसरा अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है तो वो भी सर्जरी से हटा देंगे। कभी कभी पूरा अगर ट्यूमर हमने हटाया तो ये भी लाइफ के लिए डेंजरस होता है, ये भी बहुत ज्यादा रिस्क है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ बनता है। ऑपरेशन के बाद फिर से हमको चूंकि हटा दिया हमने तो स्टेरॉइड बनेगा नहीं, तो स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। एड्रिनल ग्लैंड अगर दोनों हटा दिया तब तो एकदम आवश्यक होगा ही। अगर मान लीजिए पेशेंट कहेगा नहीं हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे,
तो क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं जो कि हमारा जो है कि कॉर्टिसोल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। उसके लिए कीटाकोनाजोल जैसे है, मेटाइरापोन है, ये सब यूज करेंगे। और इसके लिए सबसे अहम दवाएं हैं मेफीप्रियास्टोन। जी, मेफीप्रियास्टोन जो है सबसे पावरफुल ग्लुकोकॉर्टिकॉइड टाइप सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के रूप में जाना जाता है, काफी कारगर है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि मेफीप्रियास्टोन देने पर ये जनरली एबॉर्टी फेसियंट होता है, यानी कि महिलाओं में प्रेगनेंसी को आउट करता है। एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर मेफीप्रियास्टोन दे रहे हैं तो ये चूंकि उसका जो प्रेगनेंसी है उसे आउट कर सकता है। तो इसके लिए मेफीप्रियास्टोन में खास एक चीज ध्यान रखना होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है हम उस पर ये दवा यूज नहीं करेंगे किसी भी शर्त में, वहां रोकेंगे। बाकी समय जो भी दवा है अगर पेशेंट, तो ये सारी चीजों से कशिंग सिंड्रोम के बारे में मुझे उम्मीद है कि मैंने छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की। हम अभी लगातार आपके साथ एबनॉर्मलिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम अगले ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके ग्लैंड के संबंधित अध्यायों पर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसके जांच के संबंधी देखना है कि जांच कैसे होता है, इसके लिए आप हमारा जो पैथोलॉजी सेक्शन है, जो हमारे टेक्निकल सेक्शन है, उसका वीडियो आप देखें। आप लगातार प्यार दे रहे हैं, लगातार इसको समझे, ये जो मैं बता रहा हूं देखिए हिंदी में कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच समझाएं, तो बस इतना ही। और मुझे प्यार देते रहे, आपके वजह से चैनल में काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, विद्वानों का जनरली हमारे पास सुझाव आ रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं ऐसे विद्वानों को जो हमें सुझाव दे रहे हैं। मैं आपके बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, आप लोगों की विद्वता की वजह से ही थोड़ी सी जो विज्ञान की बातें हैं मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। जो हमारे अनुज है जो हमसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो छात्रगण हैं, जो हमारे दोस्तगण हैं, या जो विज्ञान में रुचि रखते हैं, वैसे लोग लगातार देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उन्हें शेयर करें जो चाहते हैं जनमानस को ज्यादा फायदा हो। बार बार एक गुजारिश करूंगा कि आप इन चीजों को देख करके दवा नहीं लें, दवा लेने के लिए आप जो जो कुशल चिकित्सक है उनके पास जाएं। तो इसी के साथ अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा बाबू को दीजिए अलविदा, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले कड़ी में। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और साझा करते रहिए, साथ ही अपना कमेंट जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप उस पर हमें जानकारी दें और आप अपना कमेंट करें, हमें प्यार दें और साझा करें लोगों को। और इसी के साथ दीजिए अपने प्यारे डॉक्टर राजा को अलविदा, हम फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। नमस्कार, प्रणाम।